हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी जो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लोगों में से किसी ने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अभी हम छत्तीसगढ़ के नोटिफिकेशन के बाद अब काउंसलिंग शेड्यूल आ गई, उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा होगा रायपुर दिनांक 14/11/2023 की नोटिस निकली हुई है। इसके पहले यहाँ पे देखिए साइड में एक ईमेल आईडी लिखी है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए रहेगी तो ईमेल आईडी को ध्यान रखिएगा। कोई भी टेक्निकल एरर आती है तुरंत आपको इस पर मेल करना है। उसके अलावा ये वेबसाइट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर एक दिया हुआ है, इसमें आप कॉल करके कुछ अगर हेल्प चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है कि आयुर्वेद वाचस्पति एमडी आयुर्वेद एवं आयुर्वेद धन्वंतरी एमडीएमएस आयुर्वेद त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम की सूचना। काउंसलिंग होगा कहाँ पे, तो शासकीय स्वशासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जी रोड रायपुर छत्तीसगढ़, मतलब कि हमारा जो रायपुर का जो कॉलेज है वहीं पे ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। मतलब ऑफलाइन मोड में होना है, आपको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। काउंसलिंग का दिनांक क्या रखा गया है, तो 22/11/2023 मतलब नवंबर में ही बुधवार को दिन, और 23/11/2023 गुरुवार को, मतलब ये दो दिन 22 नवंबर और 23 नवंबर को काउंसलिंग रखी गई है। आगे देखते हैं, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालित आयुर्वेद वाचस्पति आयुर्वेद धन्वंतरी पाठ्यक्रम सत्र 23-24 में प्रवेश हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली द्वारा आयोजित AIAPGET 2023 में सम्मिलित छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, वर्ड ध्यान रखिएगा, मूल निवासी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उक्त प्रवेश परीक्षा की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित की गई है। उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, और अभ्यर्थी इस सूचना को ही बुलावा पत्र माने, मतलब यही आपका कॉल लेटर है। इस नोटिस में लिखा हुआ क्या बात है उसको अपन देखते हैं। चलिए, तो जो 22 नवंबर दिन बुधवार को जो काउंसलिंग होने वाली है वो किसके किसके लिए है, अनारक्षित मतलब UR कैटेगरी के लिए, EWS मतलब EWS कैटेगरी के लिए, और अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी के लिए। मतलब ये तीन कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर इन तीन कैटेगरीज में आपको पार्टिसिपेशन करना है तो आपको 22 नवंबर को वहाँ पे उपस्थित होना है। अनारक्षित का जो रजिस्ट्रेशन का समय है वो प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर EWS कैटेगरी के लिए 10 से 10:30 बजे तक का समय दिया गया, क्योंकि सीट उसमें कम है ना। और अनुसूचित जनजाति के लिए 10:30 से 11:30 बजे तक का समय दिया गया। और फिर साथ में इधर बाजू में नंबर लिखा हुआ मेंशन किया गया कि कितने से कितने नंबर वाले काउंसलिंग में जा सकते हैं। वैसे नेक्स्ट 23 तारीख को जो किया गया उसके लिए SC के लिए अनुसूचित जाति, OBC और शासकीय सेवक, सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिए आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। इसमें बाजू में नंबर भी लिखा हुआ है, प्रातः 9 बजे से रजिस्ट्रेशन आपका होना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सुबह 9 बजे के पहले तो आप काउंसलिंग स्थल पर पहुंच ही जाइएगा बिना किसी देरी के, और सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाइएगा, भूलिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। चलिए डॉक्यूमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, अंक सूची एवं उनकी एक सेट की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब कि एक पूरा जितना आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको रख लेनी है क्रमवार जमा कर। किस क्रम में जमाना है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर, प्रमाण पत्रों का क्रम इसी के ध्यान जमाना है। मीन्स पहले आपको क्या रखना है, AIAPGET 2023 के एडमिट कार्ड आप रखें, उसके पीछे की ओर क्या रखेंगे, सेकेंड नंबर पर AIAPGET 2023 की मार्कशीट रखेंगे, फिर उसके पीछे दसवीं का अंक सूची, और जैसे जैसे आप रखते जाएंगे ना इसमें आप टिक मार्क करते जाएगा, इस नोटिस में नोटिस प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, इसमें टिक मार्क करते जाएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंट जमा दिया है, रख लिया है। ऐसे करके आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो क्या है आप काउंसलिंग में पहुंच जाते हैं पर आपको फिर पता चलता है कि डॉक्यूमेंट मिस हो गया है ऐसे, तो इसलिए ये आपकी मेरी ओर से एक सलाह है आपको कि ऐसा आप कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट आपको भूलेगा नहीं। फिर 12वीं की अंक सूची रखनी है, फिर BAMS की समस्त अंक सूचियाँ रखनी है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का बस रख लिया फाइनल कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा, BAMS का उपाधि प्रमाण पत्र मतलब डिग्री लगेगा, फिर किसी भी राज्य के शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद बोर्ड परिषद में जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र, खासकर उन बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ जो लोग इस छत्तीसगढ़ के हैं पर बाहर से पढ़कर आए हुए हैं, मान लो बैंगलोर से आप पढ़ के आए तो उनके लिए, तो आपको लिए मान लो वहीं का रजिस्ट्रेशन आपके पास, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है, बाद में आपको बदलने का समय मिलेगा उसमें घबराइएगा नहीं। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल चाहिए रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वो केवल उसके लिए रहेगा जो उसके कैटेगरी में आ रहा है, मतलब जैसे UR कैटेगरी से आप भरेंगे तो वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए कट हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। वैसे अगला OBC अगर कोई है तो
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर के अभ्यर्थियों को पिछले 3 वित्तीय वर्ष के मतलब 22-23, 21-22, 21-22, 22-23 तीन वर्ष का आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्ष 22-23 हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, तो इसी साल का लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा 22-23 ईयर्स का, ठीक है। अगला, सेवा होने की स्थिति में नियोजक संस्था द्वारा एक एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसके लिए आपको एक एनओसी लगेगा, वो एनओसी ले जाना है आपको। यदि उपनाम परिवर्तन है, खास करिए मैरिड पीपल्स के लिए है, यदि उपनाम परिवर्तित है तो उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र आपको एक एफिडेविट प्रस्तुत करना है, वो भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर नहीं रहेगा तब भी बन जाएगा, डरिएगा नहीं, वो अभी बहुत समय है आपके पास। अन्य कोई प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख आवेदन में किया गया हो और कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी आपको अटैच करना, तो यहाँ से आप टिक मार्क करना जरूर, मतलब टिक मार्क करके ही आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिएगा ताकि आपको कन्फर्म रहे कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अगला, काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर द्वारा जारी प्रवीणता सूची में उनके नाम के रिमार्क वाले कॉलम में, मतलब जो मेरिट लिस्ट मैंने आप लोग को बताई थी उसमें रिमार्क के कॉलम था, वहाँ पे अगर कुछ मेंशन है कि मान लीजिए आय प्रमाण पत्र नहीं डाले हैं आप, डिग्री नहीं लगाए हैं, तो वो सब चीज़ें अगर मेंशन है तो उसको लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे फीस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़, काउंसलिंग में भाग लेने हैं तो रजिस्ट्रेशन शुल्क अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की मतलब SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है और अन्य सभी के लिए 1000 रुपये फीस है, ठीक है। तो ST ST के लिए 600, बाकी के लिए UR OBC ये सब के लिए 1000 रुपये है। जो वापसी योग्य नहीं है ये नॉन रिफंडेबल है, भले ही आपको सिलेक्शन हो कि ना हो। फिर आगे, काउंसलिंग पश्चात प्रवेश हेतु चयनित सेवारत एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार शासन महाविद्यालयीन स्वशासी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का नियमित रूप से भुगतान करना होगा, मतलब फीस आपको देना होगा, तो ठीक है। आगे लिखा है, अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब UR OBC और EWS इन सब के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये की सुरक्षा निधि, कौशन मनी जो बाद में वापस होती है, तो 20,000 रुपये UR OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 20,000 रुपये कौशन मनी वहाँ पर जमा करनी है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये, मतलब कि ST और SC के लिए 10,000 रुपये कौशन मनी सुरक्षा निधि आपको जमा करनी है। सुरक्षा निधि के रूप में जमा की गई राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर वापस दे दी जाएगी, मतलब आपका जब PG कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे, उसके लिए आप मत घबराइएगा। इसके अतिरिक्त अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 30,000, मतलब पर ईयर आपकी फीस कितनी है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये फीस है, ठीक है। प्लस और भी आगे लिखा हुआ, वह अन्य शुल्क 7,000 रुपये, मतलब कि टोटल 37,000 रुपये आपको फीस देनी है अगर आप UR OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं। आफ्टर दैट, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये शिक्षण शुल्क और 7,000 रुपये, मतलब 7,000 अन्य शुल्क है वो तो कॉमन है, बस ये कि अगर आप ST SC से आ रहे हैं तो आपकी फीस आधी है, 15,000 रुपये है, अगर UR OBC EWS में आ रहे हैं तो वो 30,000 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, दोनों में एक 37 देना है और इधर 15 और 7, 22,000 रुपये आपको फीस देने हैं, इतना लेकर आपको वहाँ पर उपस्थित होना है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग 22 नवंबर और 23 नवंबर दो दिन होने वाले, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं या फिर जिस कैटेगरी में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है उस कैटेगरी का डेट आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। आपने नंबर्स भी यहाँ पे लिख लिए हैं, टाइमिंग भी यहाँ पे लिख दिया, तो विशेष रूप से बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर पहुँच जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स को भूल कर मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार कई बच्चे गलती से अपने डॉक्यूमेंट्स को भूल जाते हैं घर में, खासकर जाति वाला आय वाला, इसको तो विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।